नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फेक रिजल्ट कितने आए हैं, जो आपने बहुत सारी जीटी पर वीडियो देख ली होगी कि इसका रिजल्ट आ चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक जो फेक रिजल्ट हैं वो सिर्फ फेक ही हैं। अभी तक रियल जो रिजल्ट आए हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक और बात बता दूँ, जो फेक रिजल्ट हैं हमारे चैनल पर आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी इसकी कि इसका रिजल्ट आया है, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। यहाँ चलो शुरू करते हैं कौन कौन से हैं फेक रिजल्ट। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर वन पर जो हमने रखी है। दोस्तों नंबर वन पर है 126, जो पंजाब में है, तो इसका भी जो फेक रिजल्ट की धांधली थी इसका भी कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब भी आएगा तो हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों बता दूँ ये सिर्फ व्यू और सब्सक्राइबर लेने के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रियल आपके पास न्यूज़ पहुँचाए। आपके पास रियल न्यूज़ नहीं पहुँचाते हैं, ये सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेने के लिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर दो की। दोस्तों 124 ये दिल्ली में है, सिखराय झुंड है। दोस्तों इसका बता दूँ सिर्फ ये भी, इसका भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इसकी मंथ पहले धांधली थी कि इसका रिजल्ट आ चुका है 124 का। बता दूं इसका भी अभी तक भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। एक और धांधली पड़ी थी इसके ऊपर कि इसका इंटरव्यू होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी इसकी फाइनल रिजल्ट निकलेगी। जब भी निकलेगी हमारे पास खबर पहुँचेगी तो हम वीडियो बनाएंगे कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में, जहाँ अगली वीडियो में जब भी हमारे पास समय लगता है तो हम चर्चा करेंगे 124 और 103 और 126 और 111 पर कि कब तक इनका रिजल्ट आ सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 103 की। 103 का भी बहुत सारा धांधली पड़ी थी कि इसका रिजल्ट आ चुका है, कि इसका रिजल्ट अभी आया, इसकी लिस्ट निकली है, इसकी लिस्ट नहीं निकली है, और आपको कोई भी सबूत के साथ वीडियो नहीं दिखाते हैं, सिर्फ व्यू लेने के लिए कर लेते हैं कि सोचा तो वीडियो चलो बना देते हैं, 103 पर ही बना देते हैं। कभी व्हाट्सएप पर उनको मैसेज आ जाता है, सिर्फ वो फंड के लिए वीडियो बना देते हैं सिर्फ व्यू के लिए। मैं बता दूं हमारे चैनल पर आपको रियल न्यूज़ मिलती है। हमारे चैनल पर जो हम आपको जे जुम्स बता रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई थी कि इसका रिजल्ट आ चुका है। हम तभी आपके सामने वीडियो लेके आते हैं जब हमारे पास रियल न्यूज़ हो, तो तभी हम वीडियो लेके आते हैं, ऐसे हम झूठी धांधली नहीं लेके आते। अब बात कर लेते हैं नंबर तीन पर। दोस्तों जो नंबर तीन पर है वो 111, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसकी धांधल पड़ी थी कि इसका रिजल्ट आ चुका है। अभी तक इसकी वीडियो चल रही है कि रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों जो इस में सेलेक्ट हुए हैं बॉयज़, वो अभी भी कमेंट कर पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो रिज़ल्ट आया नहीं, तो हमको फ़ोन कॉल आई नहीं, तो ये कैसे आ गया रिज़ल्ट। दोस्तों बता दूँ इसका रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आपको फ़ोन कॉल भी नहीं आएगी। ये सिर्फ व्यू और सब्सक्राइबर लेने के लिए है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाते हैं, इनके पास कोई भी काम नहीं होता है और झूठी वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं बता दूँ जब भी हमारे पास रियल न्यूज़ पहुँचती है तो हम वीडियो बनाएंगे, जब भी हमारे पास रिजल्ट पहुँचता है। दोस्तों इसका कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब बात कर लेते हैं 115 की। 115 का भी रिजल्ट नहीं आया, इसकी भी फेक बहुत सारी वीडियो थी कि इसका रिजल्ट आ चुका है। बता दूं कोई भी रिजल्ट नहीं आया है इसका भी, जब भी इसका रिजल्ट आता था हम वीडियो बनाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अब कौन सा रिज़ल्ट आ सकता है। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट आता है तो हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं जिनकी जो हमने वीडियो बना चुके हैं कि जिनके 6 मंथ होने वाले हैं, जिनको अभी तक अपनी जो बर्थी नहीं याद है कि हमारी कब हुई थी, तो आपको ऊपर आपको आई बटन में हमारी वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने चर्चा की है 10 बड़े झुंड की, जिनके 6 मंथ होने वाले हैं, कि 6 मंथ में क्यों वापिस जो आपको बता रहा हूँ, क्यों 6 मंथ की कभी भी आ सकता है रिजल्ट। क्यों 6 मंथ के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 6 मंथ के बाद जो मेडिकल होता है वो वापिस होता है, री मेडिकल होता है। एक मेडिकल की जो डेट होती है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 6 मंथ इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। 6 मंथ के अंदर आपका कोई भी रिजल्ट आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपका अगर 7 या 8 मंथ में आता तो आपका मेडिकल होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।